अरे वन प्लस का फोल्ड आ गया भैया, ले लूं क्या? अरे स्मार्ट रिंग आ गई मस्त भाई, क्या लग रही है, ले लूं क्या? और अब विजन प्रो लॉन्च कर दिया एप्पल ने भाई, क्या मस्त चीज है, मैं तो खरीदने जा रहा हूँ। हट, रुको अभी। लोगों को बहुत चुल मची है नया गैजेट खरीदने की, जैसे फोल्ड लेने की, जबकि ये एक टेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। हर समय मार्केट में 3-4 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चलती रहती हैं। इसका मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, उस पर काम चल रहा है, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। जैसे फोल्ड ले लो, स्मार्ट रिंग ले लो, AI विजन प्रो, बहुत सारी। ऐसे में अर्ली अडॉप्टर्स का काटा जाता है। अर्ली अडॉप्टर्स मतलब जिनमें चुल होती है प्रोडक्ट को लॉन्च के दिन खरीदने की। फिलहाल फोल्ड के साथ हो रहा है, मार्केट में वन प्लस का फोल्ड भी आ गया है और 13 फोल्ड पहले चल रहे हैं और भी आ रहे हैं, रेडी भी नहीं है, अंडर डेवलपमेंट में है। मान लो कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट का पैसा आपसे ही ले रही है। देखो, आपको लॉन्च होते वक्त गैजेट्स या टेक्नोलॉजी को जैसे फोल्ड, स्मार्ट रिंग या कोई और प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो अपनी हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट क्वालिटी पर होती है उस वक्त। जैसे पहला फोल्ड 2019 में लॉन्च हुआ था, कितना घटिया था वो, 1,80,000 का था, अभी 80,000 का मिल रहा है। मैं तो कहूँ 8,000 का भी मत लो सुसरे को। रॉयल फ्लेक्सी पाई 1,00,000 का कबाड़ था वो, मुझे तो वीडियो डिलीट करने का मेल भी आया था। 2008 की बात करूं, जहां पर नोकिया ने 5800 एक्सप्रेस पहला अफोर्डेबल स्मार्ट टच निकाला था, 18,000 रुपए का था, 3 मेगापिक्सल का कैमरा, मीडियाटेक का घटिया सा प्रोसेसर, बस HD, उस सेम स्पेसिफिकेशन का फोन इस वक्त केवल 2,000 रुपए का मिल रहा है। उस वक्त 18,000 रुपए का फोन जिस गधे ने लिया होगा, कितना लल्लू समझ रहा होगा वो आज अपने आप को। 2006 में स्मार्ट वॉच ले लो, 18,000 रुपए की मिल रही थी, बकवास थी, कोई फीचर नहीं था उसमें, जो थे वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे, और उस वक्त जिन लोगों ने खरीदा होगा वो कितने बेवकूफ रहे होंगे, बेचारे उनका तो कट गया। दूसरा, रैपिड आउटडेटिंग, मतलब कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से आउटडेट हो जाती है क्योंकि वो इवॉल्व हो रही होती है। जैसे फोल्ड 1 और फोल्ड 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस था, काफी डेवलप करके दिया था फोल्ड 2 को, और जब फोल्ड 2 लॉन्च हो गया तो फोल्ड 1 को खरीदने वाला कोई नहीं था, और अभी भी कोई कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा उसको। तो जो आप खरीद रहे हो, जैसे अभी आप स्मार्ट रिंग खरीद रहे हो, जब दूसरी स्मार्ट रिंग आएगी उससे बेहतर होगी, तो पहली वाली स्मार्ट रिंग तो आपकी टट्टी हो जाएगी ना। तो तेजी से आउटडेट होती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तीसरा, उसमें बग्स और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं। एप्पल का जब फोन आया था तो उसमें बैटरी और एंटीना की दिक्कत थी शुरू में। सैमसंग फोल्ड 1 लॉन्च हुआ तो उसकी तो पन्नी उतारने को मना कर दिया, उसमें धूल घुस रही थी, खराब हो रहा था, क्या घटिया फोन था वो, और वो तुम्हें टॉर्चर किया गया, तुमने उसकी सबसे ज्यादा कीमत दी और तुम ही प्रॉब्लम में रहे। वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, किसी शेफ ने एक नई डिश बनाई, तुमने उसकी सबसे ज्यादा कीमत दी, भक्के गए, और वो चेक भी तुम पे कर रहा है, किसे खाकर तुम जिंदे बचोगे या मरोगे। चौथा, पुअर रीसेल वैल्यू। कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही होती है, जब आप उसे बेचने जाओगे उस गैजेट को, तो बिकेगा नहीं या बहुत सस्ते में बिकेगा। अगर किसी ने अभी वन प्लस फोल्ड 1,40,000 का ले लिया और दूसरा जब लॉन्च होगा तो 40 का नहीं बिकेगा ये वाला। अगर फोल्ड 1 या फोल्ड 2 तुम बेचना चाहते हो ना इस वक्त, तो क्या बिक जाएगा वो, कोई थूकेगा नहीं उस पे। पांचवा, मार्केट में कंपटीशन नहीं होता उस टेक्नोलॉजी का, मतलब कंपटीशन ना होने से कीमत कंपनियां हाई से हाई रखती हैं, जितना चाहे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोक करके वो पैसे ले लेती हैं। जैसे एयरटेल ने 500 रुपए में 2.5 GB बेचा था शुरू में, जियो के आने के बाद अब रोज 500 रुपए में 2 GB दे रहे, कितना लूटा था उन्होंने, तब भी कमा रहे थे, वो आज भी कमा रहे हैं। कंपनी आपके पैसे से ही अपना डेवलपमेंट करती है, आपके पैसे से ही R&D करती है और प्रॉफिट कमाते हैं मोटा। सिक्स, नो कंपेंसेशन। जो बायर्स होते हैं उन्हें कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता जो अर्ली अडॉप्शन के आते हैं। जैसे Samsung Note 7 जब लॉन्च हुआ तो फट गया, तो खरीदने वालों को कुछ नहीं मिला। जिन्होंने पहला iPhone लिया था या जिन्होंने पहला Samsung Fold लिया था वो प्रॉब्लमेटिक, या जो पहली रिंग ले रहे हैं, या जिन्होंने पहली LCD खरीदी थी 12,00,000 रुपए की, सब टट्टी थी, सब डेवलप हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि तुम हमारा Alexa ले रहे हो या पहली बार तुम्हें सस्ता दे दे, ना, ससुरो ने 12,000 रुपए का दिया था, वो 6,000 रुपए का मिल रहा है। अरे कंपनसेशन तो घंटा उन्हीं ग्राहकों का काटा गया सबसे ज्यादा, ऊपर से सर्विस नहीं मिलती। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, सर्विस सेंटर खुले नहीं है, तो रिपेयर के लिए भागे फिर रहे हैं चारों तरफ, बस पार्ट्स चेंज होते हैं और उसके पैसे मांगते हैं मुंह फाड़ के। और लास्ट और सबसे बुरी बात, अनडिटरमाइंड यूजेबिलिटी, मतलब कि प्रोडक्ट का पता ही नहीं है, उसका भरोसा ही नहीं है कि वो लाइफस्टाइल में आएगा या नहीं, वो प्रोडक्ट कामयाब होगा या नहीं। जैसे लोगों ने 1,00,000 रुपए के गूगल लेंस लिए थे तो वो तो पुत गए, वो तो चला नहीं, कंपनी ना अपडेट दे रही है ना सर्विस दे रही है, झुंझुना। फिर किसी ने स्नैपचैट के गॉगल्स लिए होंगे, कोई पूछ नहीं रहा कहां है स्नैप
स्नैपचैट के गॉगल्स, विंडोज 8 खरीदी, गेमिंग फोन खरीदे, सबके सब बेवकूफ महसूस कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। क्या जल्दी मची है इनको? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी फोल्ड रेडी नहीं है, डिस्प्ले वीक है, प्लास्टिक की बनी हुई है, क्रीज भी दिखती है थोड़ी थोड़ी, धूल घुस जाती है। IPX8 कह तो देते हैं लेकिन क्या साला खराब हो जाता है, 10 महीने टिक नहीं रहे ये। एस्पेक्ट रेशो बड़ा अजीब सा स्क्वायर, जब आप यूट्यूब खोलोगे तो ऊपर भी काला बार, नीचे भी काला बार, इंस्टाग्राम ट्विटर सब अजीब खुल रहा है, बैटरी कॉम्प्रोमाइज है। तो मत लो, कम से कम 2024 में तो बिल्कुल मत लो, या जब तक आधे रेट में ना जाएं। 1.5-1.5 लाख रुपए के मिल रहे हैं ना, 60-70 हजार रुपए के मिलेंगे और इससे बेहतर मिलेंगे। एप्पल ने अब तक फोल्ड लॉन्च नहीं किया। मुझे ये बात पसंद आई कि एप्पल जब तक कोई टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं हो जाती या उसमें प्रॉब्लम नहीं रहने की स्थिति नहीं हो जाती तब तक वो लॉन्च नहीं करती, यही रीजन है। और मुझे लगता है कि वो आगे भी 3-4 साल शायद ना लॉन्च करे, और ठीक भी है। भैया स्मार्ट रिंग मत लो, फोल्ड मत लो, 2024 में विजन प्रो लॉन्च होगा, मत लेना, उसे पहले लॉन्च हो जाने दो। किसी भी टेक्नोलॉजी में 5-7 साल लगते हैं उसे डेवलप होने में, उसे हाईएस्ट अपडेट होने में और कम से कम कीमत आने में, तब आपको खरीदना चाहिए। यूट्यूबर वगैरह तो मॉनिटरी बेनिफिट के लिए चार्ट लेते हैं, बढ़िया बता देते हैं, और तुम भी आ जाते हो भाई ने कहा है, लसन। अब जिनके पास पैसे ज्यादा हैं उन्हें नहीं पता पैसे का क्या करना है, समझ कम है उनको तो रहने दो, लेकिन तुम लोग कितनी मेहनत से पैसे कमाते हो ना, तो जो भी टेक्नोलॉजी इस वक्त चल रही है, हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुकी है, उसे खरीदना चाहिए, यही समझदारी है। जैसे फिलहाल फोल्ड की जगह आपको एक नॉर्मल ब्रिक वाला फोन लेना चाहिए, स्मार्ट रिंग की जगह आपको स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, जो डेवलप हो रही है पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं सुसरे में कितनी प्रॉब्लम आएगी, उसे नहीं लेना चाहिए। और भैया फिर भी तुम्हें पैसे लुटाने हैं ना।